सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेश एनालिसिस पे। तो इस ये एक हमारा नेटवर्क है जिसको हम मेश के माध्यम से क्या करेंगे, हल करेंगे। इसमें हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है कौन सा, I1, और यहाँ पे कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, I2। मेश का ये रूल है, अगर जो हम पहले वाले लूप में करंट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले लूप में भी करंट के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज में ही घुमाना पड़ेगा, या पहले वाले लूप में अगर जो हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दूसरे वाले लूप में भी करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने करंट को क्या किया है, इस डायरेक्शन में घुमाया है, तो दूसरे वाले लूप में भी हम क्या करेंगे, करंट को इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप वन में हम KVL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स लगा है इसका इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे है, जहाँ से करंट हमारा निकल रहा है, अर्थात हमारा करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। तो इस कारण से हम क्या लेंगे, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको लेंगे पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा 108। अब हम हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको किस में लेंगे, नेगेटिव में लेते हैं, तो ये क्या होता है, माइनस हो जाएगा हमारा क्या, सबसे पहले इसको क्या हो जाएगा 2.3 इंटू इसमें प्रवाहित होने वाला करंट कौन सा है, I1। फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6 इंटू इसमें कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, इधर से I1 और इधर से कौन सा हो रहा है I2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट का मान कितना हो जाएगा I1 माइनस I2। इसके पश्चात हमारा I1 करंट कहां पे आएगा, 0.7 ओम रजिस्टर में। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा कितना, 0.7 इंटू I1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 108 माइनस ये क्या हो जाएगा 2.3 और 0.7, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 I1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 I1, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 6 I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के 9 I1 प्लस 6 I2 और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा कितना, माइनस 108। तो ये क्या हो जाएगा, 9 I1 माइनस 6 I2 इक्वल्स 108। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल्स 36। हमने इसको क्या कर दिया है, 3 से डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, अर्थात एक लूप से क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशन निकल गया। अब दूसरे वाले लूप पे हम KVL लगाएंगे, तो यहाँ से लगाइए, कहीं जहाँ से मर्जी आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू I2 फिर क्या हो जाएगा, माइनस, ये किस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या रहेगा, माइनस। फिर ये जो वोल्टेज है ये किससे निकल रहा है, करंट इसमें से माइनस से निकल रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को क्या रखेंगे, माइनस 90। अर्थात जहां से करंट निकले उसी टर्मिनल को हम देखेंगे, अगर जो माइनस है तो उसको क्या लेंगे, माइनस, अगर जो प्लस है तो उसको क्या लेंगे, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 90। फिर ये करंट यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.8 I2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6, इसमें कौन सा करंट, I2 इधर से जा रहा है और I1 इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
3.2 और 0.8 मिलके क्या हो जाएगा, -4i2, ये क्या हो जाएगा -90, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6i2 और ये हो जाएगा -6i1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 6i1 माइनस कितना हो जाएगा 6i2 और 4i2 माइनस कितना हो जाएगा 10i2, इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 90। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसको जब काट लेंगे तो ये काट कर लेकर आइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसको यहीं पे काट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3i1 - 5i2 = 45। ये हमारा क्या रहेगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा 3i1 - 5i2 = कितना है 45। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 3i1 - 2i2 = 36। इसको घटा लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा -3i2 = 9। तो i2 = क्या हो जाएगा -3 एम्पीयर। अब i2 का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम रख लेंगे, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3i1 - 2i2, i2 का मान क्या है -3 है, इक्वल्स कितना है 36। तो ये क्या हो जाएगा 3i1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 = 36। तो 3i1 = क्या हो जाएगा 30। तो i1 का मान हमारा क्या आ जाएगा 10 एम्पीयर। तो यहाँ से i1 का मान क्या आ गया 10 एम्पीयर और i2 का मान क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3 एम्पीयर, यानी -3 एम्पीयर। तो माइनस से क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि जो हमारा करंट का डायरेक्शन है ये क्या है उल्टा है। तो यहाँ पर ये भी रख सकते हैं -3 एम्पीयर या फिर इसको पलट के कर सकते हैं कितना 3 एम्पीयर। अब ऑप्शन में जैसा दिया रहा है उसको वैसे हम रख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इसको मान लेते हैं क्या i3 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हम मान लेते हैं एक नोड है, अब इस पे हम इस नोड पे क्या लगाएंगे KCL, तो करंट इसमें क्या होगा ये डायरेक्शन और यहाँ पे क्या होगा ये। तो i3 = क्या हो जाएगा i3 + i2 = किसके होगा i1 के। तो i3 = क्या हो जाएगा i3 + ये i2 का मान क्या है, i2 का मान है हमारा -3 एम्पीयर। तो यहाँ पे -3 = i1 का मान क्या निकाले हम, i1 = ये हमारा i1 का मान। तो i1 = कितना हम रख लेंगे 10। तो i3 = क्या, i3 - 3 = 10। तो i3 का मान क्या आ जाएगा 13 एम्पीयर। अर्थात इस मेष की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, मेष के किसी भी पार्ट में या नेटवर्क के किसी भी पार्ट में हम करंट का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इस मेथड से थोड़ा सा ये इक्वेशन निकालने में क्या हो रहा है, प्रोसीजर हमारा थोड़ा लंबा हो जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1-2 लाइन तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले में क्या करेंगे, पहले में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दूसरे में और सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, KVL लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108 माइनस जो इससे मतलब जिसमें जिसमें करंट हमारा i1 जा रहा है उस पूरे रजिस्टर को एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा 2.3 और 0.7, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम। इसमें कौन करंट जा रहा है i1,
अर्थात ये क्या हो गया, ये हमारा इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, माइनस जो सेंटर वाला है इसमें करंट का डायरेक्शन देखेंगे, हमारा आई वन इधर से और आई टू इधर से है, तो ये क्या हो रहा है, आई वन माइनस आई टू हो रहा है, अर्थात आई वन का विरोध कर रहा है कौन, आई टू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, सिक्स आई वन माइनस आई टू। तो अब इसको निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो, 108 माइनस 3i1 माइनस क्या हो जाएगा, 6i1 प्लस 6i2 इक्वल्स जीरो। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 9i1 प्लस 6i2, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 108, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9i1 माइनस 6i2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 108, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3i1 माइनस 2i2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 36। तो ये निकल गया इक्वेशन नंबर 1। ये लाइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अर्थात एक लाइन हम क्या कर दिए, इससे फास्ट कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, सिमिलरली इस दूसरे वाले में भी यही लगा सकते हैं। चलिए दूसरे इक्वेशन को इससे निकालते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 90। अब करंट किसमें किसमें प्रवाहित हो रहा है, 3.2 और 0.8 को जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4i2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इधर से i2 करंट जा रहा है, उधर से i1 करंट आ रहा है, तो विरोध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6i2 माइनस i1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा, 4i2 माइनस ये तोड़ लेंगे तो 6i2 प्लस 6i1 इक्वल्स जीरो, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 माइनस 10i2 प्लस 6i1 इक्वल्स जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 दो से काट के इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3i1 माइनस 5i2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, चलिए इसको और शॉर्ट करके देखते हैं। हमें इक्वेशन निकालने के लिए और शॉर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस जितने भी i1 जितने भी रजिस्टर से होकर जा रहा है उसको सबको एक साथ जोड़ लेंगे, चाहे वो कॉमन रहे या ना रहे, सबको साथ में जोड़ेंगे तो ये 2.3 0.7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 6 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 ओम। यानी i1 कितने से होकर जा रहा है, 9 ओम रेजिस्टेंस से होकर जा रहा है। तो इसको रख लेंगे क्या, 100, सिर्फ सबसे पहले इसको रख लेते हैं क्या, 108 माइनस क्या हो जाएगा, 9, इसमें कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, i1। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसका इसमें कौन सा करंट और प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, i2 करंट और प्रवाहित हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे कॉमन वाले में। तो अब हम क्या देखते हैं, i2 जो है वो विरोध कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, अगर जो विरोध कर रहा है तो जो हमारा i1 का यहाँ पे सिंबल है उसके विपरीत रखेंगे, अगर जो सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो i1 का सिंबल है सेम सिंबल रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, i1 इस डायरेक्शन में आ रहा है और i2 इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा i2 है वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल बाई i2। ये इक्वेशन नंबर 1। अगर जो इसको काट पीट कर इक्वल्स जीरो होगा, सॉरी इक्वल्स ये हो जाएगा जीरो। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लें और काट लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, 3 से काट लेते हैं तो, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए 3i1 माइनस 2i2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 36। ये इक्वेशन नंबर 1। तो इस विधि की सहायता से आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक से दो लाइन में निकल जाएगा। अब हम सिमिलरली इसमें भी क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रखेंगे माइनस के 90, फिर यहाँ से जितने भी रजिस्टर हैं जिसमें करंट i2 प्रवाहित हो रहा है सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अर्थात जोड़ लेंगे। तो ये 3.2 और 0.8 4 ओम प्लस अब कौन सा है 6 ओम में भी हमारा i2 जा रहा है,
तो क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 10 into I2। अब यहाँ पे फिर देखेंगे क्या हम कि जो हमारा इसमें कॉमन है उसमें कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे I1 करंट प्रवाहित हो रहा है। अब बात यह है कि वो सपोर्ट कर रहा है कि विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये विरोध कर रहा है। विरोध का मतलब सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी प्लस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा जितना रजिस्टर है ओ मल्टीपल बाई I1 यानी 6 I1 इक्वल्स हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 I1, हम दो से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 I1 माइनस 5 I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 45। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या देख रहे हैं, जब शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना लंबा जो हम प्रोसीजर किया है ये सिर्फ 4 लाइन में जो हमारा इक्वेशन है वो निकल कर आ जा रहा है। तो इस विधि की सहायता से आप बहुत ज़्यादा टाइम की बचत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।